प्रभु कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, फिर वो होता है जो मैं चाहता हूं, इसलिए वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और जिस अध्याय में कहा उसी के बारे में बात करते हैं, अष्टादशो अध्याय चैप्टर 18 का सार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नमस्कारम, स्वागतम, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान, एक ऐसी सीरीज जिसके अंतिम अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। और ये जो गीता का सार आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि मैं प्रतिदिन पठन चिंतन मनन करता हूं श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता का, जिसे परमहंस स्वामी श्री अड़गणानंद जी महाराज जी ने लिखा है। आप भी चाहें तो घर बैठे अपने लिए एक फ्री कॉपी मंगवा सकते हैं www.yatharthgita.com से। 18वें अध्याय के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं। ये अंतिम अध्याय है जिसके शुरुआत में, जिसकी अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे प्रश्नों का समाधान देते हैं। और उपसंहार में जो अंतिम पार्ट है उसमें बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के पठन से, चिंतन से, अध्ययन से, लोगों को इसके बारे में बताने से लाभ क्या क्या होता है। आहार के बारे में, तप के बारे में, यज्ञ के बारे में, दान के बारे में, श्रद्धा के बारे में, डिवीजन कितने प्रकार के हैं, सब बताया भगवान श्री कृष्ण ने। और जब 18वां अध्याय शुरू होता है तो अर्जुन अपनी तरफ से प्रश्न रखते हैं कि त्याग और संन्यास को भी विभाग सहित बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, त्याग के विषय में जो मेरा मत है उसे तो सुन, क्योंकि त्याग जो है वो तीन प्रकार का होता है और उसे समझना बड़ा आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानी मनीषिणाम। कहते हैं यज्ञ दान और तप, ये तीन प्रकार के कर्म जो हैं त्यागने योग्य नहीं है, इन्हें सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही हम पुरुषों को, नर को, नारी को, मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। भगवान बल देकर के बात कहते हैं कि ये तीनों जो हैं सदैव करते रहना चाहिए। अब इनका डिवीजन बताते हैं, त्याग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन के लिए थोड़ा और इसको स्पष्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनिष्ट मिष्टम मिश्र च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य न तु संन्यासिनाम क्वचित। कहते हैं कि मनुष्यों के कर्मों का अच्छा बुरा मिला हुआ जो फल है, ये जन्म जन्मांतरों तक मिलता रहता है, क्योंकि लगातार आना जाना चलता रहता है। लेकिन जो अंतिम छोर पर पहुंच गया, मंजिल पर पहुंच गया, जो अंतिम त्याग की स्टेज पर पहुंच गया, उसे फल भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसका फल मिलेगा कैसे, वो तो मोक्ष प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसने सबका त्याग कर दिया, वो सर्वस्व का त्याग कर चुका है, इसलिए वो अंतिम त्याग की स्थिति में पहुंच चुका है। अब कहते हैं कि कोई भी कार्य अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ये काम करते हैं, भगवान ने अच्छा कर दिया, भगवान ने बुरा कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता आप पढ़ेंगे तो आपके सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे, सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी, क्योंकि भगवान कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। ये पांच जो है ना, इनके बारे में बताते हैं कि अलग अलग करण हैं जिनके द्वारा ये किया जाता है। अगर शुभ कार्य हो रहा है तो विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग, भगवान का चिंतन, ये जो है करण होंगे। अगर अशुभ कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कौन है, काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, लिप्सा है, ये करण होंगे। तो हम जो है लगातार ये सोचते रहते हैं कि भगवान करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता में परमहंस स्वामी श्री अड़गणानंद जी महाराज जी लिखते हैं कि भगवान और प्रकृति के बीच में, परमात्मा और प्रकृति के बीच में एक आकर्षण की रेखा है। जब तक हम प्रकृति की बाउंड्रीज में हैं, तब तक यही सारे कारण हैं, यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से कार्य हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। वो हमारा देव यानी कि हमारा संस्कार प्रारब्ध है जो पुराने चले आ रहे हैं, वो हमारी बहुत सारी इच्छाएं जिनकी वजह से कार्य हो रहा है। लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं परमात्मा वाली आकर्षण रेखा में, इस रेखा को पार करके परमात्मा की तरफ चले जाते हैं, तो फिर प्रभु करने लगते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, प्रिय सखा हो। लेकिन वो तब कहेंगे जब आप उनकी तरफ जाएंगे। अगर आप प्रकृति की आकर्षण रेखा में रहते हैं तो यही सारे कारण हैं जो कि बताए गए, काम, क्रोध, राग, द्वेष। अगर बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो विवेक, वैराग्य, शमदम, ये सब जो हैं आपके कार्य के पीछे के कारण हैं। अगर आप ये कहते हैं कि भगवान करा रहे हैं तो आप गलत कहते हैं, क्योंकि आपको जब भगवान करा रहे हैं तो उसके लिए उस आकर्षण रेखा को पार करना होगा, प्रभु की भक्ति में जाना होगा, प्रभु के समीप जाना होगा, वो दृष्टा से अनुमंता बने, भोक्ता बने, महेश्वर बने, फिर आपके सारे कार्य वो करने लगते हैं, सारी इच्छाएँ वो आपकी पूर्ण करने लगते हैं। अब ये जो भक्ति है, आराधना है, चिंतन है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, परिज्ञाता यानी कि जो पूर्ण ज्ञाता महापुरुष हैं, संत हैं, ज्ञानम उसको जानने की जो विधि है, जो तरीका है उससे, और ज्ञेयम जो जानने योग्य वस्तु है यानी कि भगवान स्वयं,
इनसे कर्म करने की इंस्पिरेशन मिलती है। पहले तो आपको किसी ऐसे संत का सानिध्य मिले, ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिले जो कि पूर्णत्व को प्राप्त कर चुके हैं, उनसे ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो, और फिर जब आप आगे बढ़ने लगेंगे तो जो ज्ञेय है यानी कि जो जानने योग्य हैं, भगवान है, परमात्मा है, वो आपसे मिल जाएंगे। फिर आप वो कर्म करने लगेंगे जिसको चिंतन, मेडिटेशन, ध्यान, आराधना, भक्ति कहते हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता भी तीन तीन प्रकार के हैं, तो 18वें अध्याय में बहुत स्पष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वभूतेषु येनेकं भावं व्ययमिक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग भूतों में एक परमात्मा को एक रस देखता है, वो जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। अब इसी के साथ में राजस और तामस ज्ञान क्या होता है उसके बारे में भी बताते हैं। राजस ज्ञान के बारे में बताते हैं कि जो अलग अलग जीवों में अलग अलग भावों को अलग अलग करके जानता है कि अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी अगर सिचुएशन आ चुकी है तो राजस ज्ञान है, राजसी स्तर पर ज्ञान पहुंच चुका है। और जो परमात्मा से दूरी पैदा करता है, जो भगवान की तरफ नहीं जाने देता है, वो जो ज्ञान है वो तामस ज्ञान है। अब कर्म के बारे में बताते हैं। कर्म भी तीन प्रकार का है। नेतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेपसुना कर्म यत्त सात्विक मुच्यते। जो कर्म नियत शास्त्र विधि, बार बार कहा गया नियत कर्म, डिसाइडेड जो किया गया है, जो शास्त्रों में बताया गया है, जो संग दोष और फल को नहीं चाहने वाला है, बिना राग द्वेष के जो चिंतन हो रहा है, भक्ति हो रही है, उसे सात्विक कर्म कहा गया है। इसी तरीके से राजस कर्म के बारे में बताते हैं कि जो फल की चाहत से किया जा रहा है लेकिन बहुत मेहनत से किया जा रहा है लेकिन अहंकार से किया जा रहा है, वो राजस है। जो कर्म अंततः खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है, हिंसा सामर्थ्य को नहीं विचार करके सिर्फ मोह से शुरू कर दिया गया, वो तामस कर्म है। कर्ता के बारे में बताते हैं कि जो कर्ता संग दोष से रहित होकर के अहंकार के वचन नहीं बोलता है, धैर्य से, उत्साह से जब कर्म पूरा हो जाए तो ना तो हर्ष करता है ना शोक रखता है, वो सात्विक कहा जाता है। इसी तरीके से कहते हैं, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित करता राज सह परिकीर्तित। आसक्ति युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला, आत्माओं को कष्ट देने वाला, अपवित्र और हर्ष शोक में जो डूबा हुआ है वो करता राजस कहा गया है। और इसी के साथ में तामस के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जो चंचल चित्त वाला है, घमंडी है, दूसरों के कामों में बाधा पहुंचा रहा है, शोक करता रहता है, आलसी है कि फिर कर लेंगे, वो तामस कहा जाता है, वो तामसी करता कहा जाता है। अब भगवान अपनी तरफ से प्रश्न रखते हैं, बुद्धि धारणा और सुख इनके बारे में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्य भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। बुद्धि सात्विकी कौन सी होती है? जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य को, अकर्तव्य को, डर को, भय को और अभय को, बंधन को और मोक्ष को बहुत यथार्थ जानती है, वास्तविक जानकारी रखती है, वो सात्विकी। जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को अधूरा जानता है, वो राजसी बुद्धि है। और जिस पर धूल लगी हुई है, धूल जमी हुई है, ढकी हुई है तमोगुण से, जो उल्टा मानती है, अधर्म को धर्म मानती है, धर्म को अधर्म मानती है, सारे हितों को उल्टा मानती है, विपरीत मानती है, वो बुद्धि तामसी कही गई है। अब धृति और धारणा, ये जो है इसके तीन भेद क्या है वो बताते हैं। श्री भगवान उवाच, त्यावया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। कहते हैं कि जो योग चिंतन के अलावा अव्यभिचारिणी, किसी और का स्मरण ना करे, स्फुरण ना हो, व्यभिचार रहे, वो जो भक्ति की जा रही है, वो जो अव्यभिचारिणी धारणा है जिससे मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया को, श्वास प्रश्वास को धारण कर लेता है, ध्यान को धारण कर लेता है, वो सात्विकी है। यानी कि भगवान की भक्ति की में अपनी धारणा को मोड़ देना सात्विक की धारणा है। फिर कहते हैं कि जो फल की इच्छा रखता है, सिर्फ और सिर्फ फल की इच्छा रखता है, धर्म अर्थ और काम को धारण करता है लेकिन फल की इच्छा के साथ करता है, वो राजसी है। और जो दुष्ट बुद्धि वाला है, जिस धारणा में निद्रा है, भय है, चिंता है, दुख है, घमंड को नहीं छोड़ता, इन सबको धारण करके रखता है, वो तामसी है। अब सुख के बारे में बताते हैं। सुखम त्विदानिम त्रिविधम श्रृणु भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। कहते हैं भगवान सुख के बारे में बताते हुए कि जो सदैव अपने मन को, अपने चित्त को समेट करके इष्ट में रमण करता रहता है, जो दुखों का अंत करने वाला है। हालांकि ये जो सुख है ये शुरू में आपको विष के सदृश लगता है, यथार्थ गीता में स्वामी जी लिखते हैं कि प्रहलाद को सूली पर चढ़ाया गया, मीरा को विष मिला। कबीर ने कहा कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। माता मीरा की बात करें तो उन्हें भी बहुत कष्ट दिए गए, प्रहलाद को बहुत कष्ट मिले,
भक्त प्रहलाद ने ना जाने कितने कष्ट से है। कबीरदास जी को बहुत सारे कष्ट मिले, तो शुरुआत में कष्ट देने वाला है लेकिन बाद में अमृत तुल्य अमृत तत्व को दिलाने वाला है, ये सुख सात्विक कहा गया है। उसके बाद में कहते हैं कि जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, शुरुआत में तो अमृत है लेकिन बाद में विषय, इसका परिणाम विषय, क्योंकि बार बार आपको इसी चक्र में घूमना है, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना है, ये जो सुख है इसे राजस कहा गया। और अंतिम बताते हैं तीसरा कि जो सुख भोग काल में भी, यानी कि जब भोग रहे हैं तब भी, और जिसका परिणाम भी मोह वाला है, खराब है, हमेशा हमें इसी चक्कर में रखने वाला है, आलस्य में रखने वाला है, जन्म जन्मांतरों के चक्र में घुमाने वाला है, योनियों के चक्र में घुमाने वाला है, वो सुख तामस कहा गया है। अब गुणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। श्री भगवान उवाच, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणे। कहते हैं अर्जुन, पृथ्वी में, आकाश में, देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से जो उत्पन्न हो रहे हैं तीन गुण सत रज और तम इनसे रहित हो। पूरी प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, मैं इनसे परे हूं। बार बार स्पष्ट करते हैं और अपने शिष्य को, अपने भक्त को याद दिलाते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मेरी शरण आना है, प्रभु का स्मरण करना है। आगे कहते हैं जो वर्ण व्यवस्था, जिसके बारे में बहुत बार श्रीमद् भगवद गीता में बात हुई, उसको और स्पष्ट करते हैं एक बार फिर से रिमाइंडर के तौर पर याद दिलाते हुए। कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणी प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो हैं, ये कर्म के स्वभाव से उत्पन्न जो गुण हैं उनके आधार पर विभक्त यानी कि डिवाइड किए गए हैं। अगर आपके अंदर सात्विक गुण है, निर्मलता है, ध्यान समाधि की क्षमता है, तो आप जा रहे हैं ब्राह्मण श्रेणी की तरफ। अगर तामसी गुण है, आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, तो आप शूद्र श्रेणी की तरफ जा रहे हैं। उसी स्तर से आप कर्म करने लगते हैं, उसी स्तर से आप ध्यान करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उन्नत हो चुके हैं तो आप ब्राह्मण श्रेणी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हीं चार श्रेणियों को एक बार फिर से स्पष्ट करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और बताते हैं कि ब्राह्मणत्व अर्जित किया जाता है, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है अगर आप ध्यान करें, अगर आप समाधि की तरफ बढ़ें, अगर आप निर्मलता लेकर के आए, अगर आप अपने मन को, अपने गुणों को सात्विक कर लें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझनी चाहिए, अगर आप ध्यान कर रहे हैं, अगर आप चिंतन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और इन चार स्टेजेस के बारे में आपको पता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और आपको लगता है कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूं, खुद से बढ़ जाता हूं, स्वयं से आगे बढ़ जाता हूं, तो भगवान अपने भक्तों को बताते हैं, ध्यान देने वाली बात कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। कहते हैं कि अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी स्वधर्म जो है परम कल्याणकारी है, स्वभाव नियतम जो स्वभाव से आ रहा है वो कर्म जो है परम कल्याणकारी है, ऐसा कर्म करेंगे तो आप आवागमन को प्राप्त नहीं होंगे। कई बार हमें लगने लगता है कि वो जो हैं वो तो बहुत ऊपर वाली स्टेज में पहुंच चुके हैं, उनकी तरह नकल कर लेते हैं। स्वामी जी यथार्थ गीता में बड़ा स्पष्ट करते हैं, स्पेशली साधकों के लिए, भक्तों के लिए कहते हैं कि हमें लगता है कि हम दूसरे की कॉपी कर लें, उनकी तरह करने लग जाएं, हम अपने स्वभाव से आगे वाले के स्वभाव को कॉपी करने लगते हैं, तो ऐसा करने से किसी को भी परम सिद्धि नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलती। भक्ति अगर आप मन से करें, अपने स्वभाव के हिसाब से करें, जो आपका गुण है उसके हिसाब से चलें, स्टेज बाय स्टेज चलें, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे जिसे मोक्ष कहा गया है। अब वो ईश्वर रहता कहाँ है, भगवान रहते कहाँ है, एक बड़ा प्रश्न है जिसको स्पष्ट करते हैं, जिसका उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर जो है वो संपूर्ण भूत प्राणियों के, जितने भी जीव हैं, सबके हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो क्यों नहीं हम समझ पाते, क्योंकि हम माया रूपी यंत्र में आरूढ़ हैं और भ्रम है हमारे मन में, इतने सारे डाउट्स हैं, इतनी सारी माया ने हमें घेर लिया कि हम समझ नहीं पाते। ये यंत्र बहुत बड़ा बाधक है जो बार बार हमें जन्म जन्मांतर तक अलग अलग शरीरों में घुमाता रहता है। तो हमें शरण किसकी जाना चाहिए, भगवान स्वयं कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परम शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे सखा, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जाओ, उनकी कृपा से ही तुम्हें परम शांति मिलेगी, सनातन परम धाम मिलेगा। और वो एक बार फिर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दोबारा से उस हितकारक वचन को दोबारा से तुम्हारे लिए कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय हो। भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो,
मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे विश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। कहते हैं अर्जुन, तू मेरे में ही अनन्य मन वाला हो, यानी कि कहीं और नहीं, अन्य नहीं, अनन्य, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मुझे ही नमन कर, ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा। मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु। और आगे कहते हैं, समर्पण की विधि बताते हुए कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को त्याग करके मैं इस स्टेज का करता हूँ, ब्राह्मण श्रेणी का हूँ, शूद्र श्रेणी का हूँ, क्षत्रिय श्रेणी का हूँ, वैश्य श्रेणी का हूँ, इन सब विचारों को त्याग करके सिर्फ मेरी अनन्य शरण को आ जा, अन्य नहीं, किसी और की नहीं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा, परम धाम दूंगा। ये श्लोक श्रीमद् भगवद्गीता का सार बताता है। और जो अंतिम भाग है 18वें अध्याय का, उसमें भगवान कहते हैं कि गीता को पढ़ने से लाभ क्या है, श्रीमद् भगवद्गीता का पठन क्यों करना चाहिए। अध्येशते च ये इमं धर्म्यं संवाद मावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मति। कहते हैं भगवान की इस धर्ममय हम दोनों के संवाद का जो अध्येशते भली प्रकार से अध्ययन करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ऐसा यज्ञ जिसका रिजल्ट ज्ञान है, जिसका स्वरूप पीछे बता दिया गया है। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अगर कुछ ना भी कर पाए तो शास्त्र पढ़ना प्रारंभ कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता आप मंगा सकते हैं, फ्री कॉपी मंगा सकते हैं www.yatharthgita.com से, जिसे परमहंस स्वामी श्री अड़गणानंद जी महाराज जी ने लिखा है। और जब आप इसका पठन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपके जितने सवाल हैं, जितने प्रश्न हैं, सबका समाधान हो जाएगा। अंत में भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि क्या आपको कुछ समझ में आया, मैंने इतनी सारी बातें की, 18 अध्याय तक हम पहुंच गए। तो अर्जुन कहते हैं, वो अर्जुन जो कि अपने धनुष को छोड़ करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए थे, वो कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत, स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, मुझे ज्ञान जो है प्राप्त हुआ है। जब आप सद्गुरु की शरण में जाएंगे, जब आप प्रभु की शरण में जाएंगे और आपको सारी बातें समझ में आएंगी, तो आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आप कहेंगे कि मेरे भी जो स्मृति है वो लौट आई है। अंत में संजय जो हैं वो बहुत बड़ा निर्णय देते हैं, एक बड़ी बात कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में। संजय उवाच, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। कहते हैं, हे राजन, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं संजय कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं, स्वामी जी यथार्थ गीता में लिखते हैं कि ध्यान ही धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है, और स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला महात्मा जो है वो अर्जुन है। तो कहते हैं संजय कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ पर श्री ऐश्वर्य विजय, जिसके पीछे में हार नहीं है, ईश्वरीय विभूति, और चल संसार में जो चलता रहेगा उसमें अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। अब आप कहेंगे आज अर्जुन नहीं है, तो ये नीति और विजय विभूति तो अर्जुन तक रह गई, द्वापर काल में ही, द्वापर युग में ही समाप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं बार बार कि मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूं, मैं सबके हृदय में स्थित हूं। और अर्जुन की जहां तक बात है, अनुरागी हृदय जिसके मन में प्रभु के लिए प्रेमोल्लास जाग जाए, वो अर्जुन है। तो ये जो इष्टोन्मुखी लगन है, जो भगवान के प्रति भक्ति है, ये सदैव रहेगी। ऐसा अनुराग अगर आपके अंदर है तो आप भी अर्जुन हैं, यही स्वामी जी यथार्थ गीता में स्पष्ट करते हैं। और इसीलिए यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पढ़िए, ताकि आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाए। इस 18वें अध्याय में संन्यास के बारे में बात की गई है, संन्यास के स्वरूप को बताया गया है कि सर्वस्व का न्यास, उस अंतिम छोर पर पहुंच जाना, फल को भी त्याग देना, प्राप्ति के फल को भी नहीं छूना, क्योंकि वो फल मिलेगा नहीं, आप वापस लौट करके नहीं आने वाले हैं। वो जो त्याग है, वो जो सर्वस्व का न्यास है, वही सन्यास है। इसीलिए इस अष्टादशो अध्याय का नाम है सन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय। ये उम्मीद करता हूं कि आपको गीता ज्ञान सीरीज से बहुत कुछ समझ में आया होगा, और आपके मन में एक इच्छा जागृत हुई होगी कि मुझे भी श्रीमद् भगवद गीता का पठन चिंतन करना चाहिए और भगवान की भक्ति में डूबना चाहिए, भगवान की तरफ एक कदम रखना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए जो भगवान ने बताया है श्रीमद् भगवद गीता में, उनकी शरण में जाना चाहिए। प्रभु की कृपा बनी रहे। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।